उत्तराखंड की लोक कला ऐपण आज देश और विदेशों में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसी को देखते हुए नगर निगम अल्मोड़ा द्वारा दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका संवर्धन के लिए लोक कला ऐपण पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। नगर निगम अल्मोड़ा के शहरी विकास विभाग में सिटी मिशन मैनेजर शांता गुरुरानी ने बताया कि दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 125 महिला स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं, जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर आजीविका संवर्धन कर रहे हैं। इसके साथ ही दीपावली पर ऐपण कला का विशेष महत्व होने के कारण ये कला महिलाओं के लिए आर्थिकी का साधन भी बन रही है। द्वारा अभी तक 125 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, तो ये हमारे जो समूह हैं, करवा चौथ हो, दिवाली हो, होली हो या कोई भी हमारा त्यौहार होता है, उसमें अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करती हैं। उनमें से एक हमारी एक्टिविटी है रंगोली और ऐपण। एक तो रंगवाली पिछौड़ा बनाया जाता है, दूसरा ऐपण बनाए जाते हैं जिसमें कि लक्ष्मी के पैर बनाए जाते हैं, लक्ष्मी की पीठ बनाई जाती है, शिव जी की पीठ बनाई जाती है। तो हर त्यौहार में और हर दिन, जैसे जब गोवर्धन पूजा होगी तो उस दिन गोवर्धन पर्वत बनाए जाते हैं। इस तरीके से ये कार्यशाला हमने जो महिलाओं को इकट्ठा किया है, अलग अलग समूह में जा कर के इनकी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वो काम कर रही हैं और कैसे उनका उत्साह बढ़े और हमारी महिलाएं सशक्त हो। समूह की सदस्य नेहा शाह ने बताया कि इस कला को सीखने के बाद इसके ऑनलाइन विक्रय के लिए उन्हें काफी डिमांड मिल रही है। हमने ऐप कला के साथ साथ एक आर्ट और बनाई है जिसे लिपन आर्ट कहा जाता है, और इसमें ये जो लगा हुआ है ये लिपन क्ले है, मिट्टी है, मिट्टी से वर्क किया गया है और उसमें ग्लासेस का यूज किया गया है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। आजकल दीपावली का समय है, सभी लोग वॉल में इसे टंगाना पसंद करेंगे, तो हमने एक नई शुरुआत भी नया एक दिखाया है, तो आप लोग देखिएगा। सखी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष भावना थापा ने बताया कि नगर निगम द्वारा उनके समूह को ऐपण कला बनाने के लिए 10,000 की सहायता राशि प्रदान की गई है, जिससे उनके समूह ने विभिन्न प्रकार की चीजों पर ऐपण कलाकृति कर अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त किया। में इस बार हमें दिवाली में और करवा चौथ में बहुत सा कार्य करने के लिए हमें वहाँ से मिला हुआ था, तो हमने करवा चौथ में भी बहुत चीज़ें बनाई थी जिसे हमने ऑनलाइन इसकी हमने सेल की, जिससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। और इस फायदे में हमें सबसे ज़्यादा नगरपालिका के जो मैम हैं, गुरानी मैम और तिवारी सर, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, जिससे हमें 10,000 का वहाँ से अनुदान भी दिया गया, जिससे हमने आज ये दिवाली का थोड़ा सा ये सामान भी बनवाया ऐपण का, जो हमारा लोकप्रिय हमारी एक धरोहर है।